Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Amber, happy birthday to you. तो आज है अंबर की बर्थडे और हम सब की बहुत बहुत दुआएं हैं अंबर के लिए कि अल्लाह ताला जिस तरह अंबर अभी मुस्कुराती हैं, चहकती हैं, महकती हैं, सारी ज़िंदगी इसी तरह वो खिलखिलाती रहें, महकती रहें, चहकती रहें और हमेशा खुश रहें. आमीन सुमा आमीन. तो चले आएँ, चलते हैं हम अपने इस केक की तरफ. असल में मेरा दिल था कि मैं अंबर के लिए कुछ स्पेशल करूँ. जैसा कि लास्ट व्लॉग में अंबर ने कहा था कि वो अपनी बर्थडे पे चाहती हैं कि कुछ स्पेशल वो करें, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ स्पेशल करूं. तो बस मेरे जहन में ये आया कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा बनाऊं जो उनको बहुत पसंद आए. तो मैंने जल्दी से जो है बस ये केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ के तौर पर उनको भिजवाया था अपने बेटे के हाथ, अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि असल में मेरे घर में एक और बर्थडे है तो मुझे वो केक भी बनाना था. मेरी भतीजी की बर्थडे है तो इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी भी बहुत जल्द अपलोड होगी. और आज का जो ये केक है ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, जो मैंने अंबर को सेंड किया था पर्स वाला केक, ये है उसकी पूरी रेसिपी. बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. अगर आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से. ये सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 स्पंज पहले तैयार कर लिए. स्पंज की रेसिपी मेरे पहले ही चैनल पे अपलोडेड है और उसके बाद इसको मैंने क्रीम से इस तरह कवर करती गई और इसे एक पर्स की शेप दे देंगे हम और एक मज़ेदार सा फाउंडेंट पर्स केक तैयार कर लेंगे. और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि अंबर को ये इतना पसंद आया. और एक होता है ना कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि पता नहीं ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन अंबर ने इतना उसे पसंद किया तो मुझे इतनी खुशी हो रही है. अंबर थैंक यू सो मच और आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी पसंद किया. और अंकल का मैंने अभी अंबर का मैंने व्लॉग देखा तो अंकल कह रहे थे कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इसको काटो आप लोग. तो अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. पता नहीं क्यों मुझे अंकल जो है ना बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे लगते हैं, तो मैं जब भी अंकल को देखती हूँ ना मैं ज़्यादा व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. तो बस अल्लाह ताला हमेशा हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे. और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आपकी क्रीम की फ्रॉस्टिंग करते हैं तो फ्रॉस्टिंग करने के बाद उसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखें ठंडा होने के लिए, और उसके बाद उसके ऊपर चॉकलेट जब डालें तब भी उसको फ्रीज़र में रखना है आधे घंटे के लिए. इसके बाद मैंने सिंपल से ब्लैक फाउंडेंट आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है वो ली है और इसे इस तरह इसके ऊपर लगा दिया. यहाँ पर मेरे पास पैनल नहीं था तो मैंने घर में ही बटर पेपर से जो है इसकी लाइनिंग जो है पैनल की शेप बनाई और उसके बाद उसको स्केल की मदद से फाउंडेंट के ऊपर ड्रॉ कर लिया. और ये कटर भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, इससे हल्की हल्की सी लाइनिंग देगी दी ताकि बिल्कुल ये एक ओरिजिनल लुक में आ जाए और बिल्कुल जो है ना ये देखने में लगे कि वाकई में ये कोई लेदर का जो है पर्स है. और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इसको बिल्कुल यूनिक सा बना सकूं. आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये रेसिपी, मेरा ये केक कैसा लगा. अंबर को तो बहुत पसंद आया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जिसके लिए बनाया था उसे पसंद आ गया. बस मेरी मेहनत वसूल हो गई. और बस एक और बार मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला हमेशा अंबर को इसी तरीके से खुश रखे. और यहाँ पर जो है मैंने हल्के हल्के से इस पर लाइनिंग देने के लिए, क्योंकि हमने आपने देखा होगा जो पर्स की साइड बेल्ट होती हैं उस पर एक लाइनिंग सी शेड सी आ रही होती है, तो वो हल्का सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से एक कैप को ड्रॉ किया था और उसे इस तरह इसके ऊपर फिक्स करा. और हम चारों तरफ इसको जो है इस तरह कवर कर देंगे और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है सेकेंड लेयर जो है इसको बंद करने की वो हम इसके ऊपर लगाएंगे. एक और जो धागे का एक लुक होता है ना बिल्कुल एक धागा चला हुआ, तो वो अगर आप देना चाहते हैं तो इस कटर की मदद से इस तरह दोनों तरफ लाइनिंग दे दें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ओरिजिनल ये बिल्कुल एक बेल्ट की तरह जा रहा है और बिल्कुल एक ओरिजिनल लुक आ जाएगी इसकी.
जी, तो यहाँ पर हमने जो है इसके ऊपर कवर कर दिया है। ये देखें इस तरह, ये मैंने एक सिंपल सी फाउंडेंट को बेला और ये खुद ही शेप बन गई थी। आगे का जो आपको लग रहा होगा कि ये मैंने इस तरह शेप दी है, ये बिल्कुल भी मैंने शेप नहीं दी थी, ये सिर्फ मैंने फाउंडेंट को बेला था। मैंने सोचा था शेप दूंगी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर इसको कवर किया तो ये खुद ही इतना प्यारा शेप में लग रहा था मुझे। मैंने कहा कि चलो छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको मैंने कोई कट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल जो मैंने बेला था वो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फाउंडेंट है वो सारी हम जो है कटर से हटा देंगे। और फिर उसके बाद इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसे हम बनाएंगे बिल्कुल बारीक से। एक कहते ना डोरी जो लगी हुई होती है पर्स पे, वो हम तैयार करेंगे और उससे बिल्कुल इसकी जो फिनिशिंग है वो हम देंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से रेसिपीज सीखनी हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स के पर्स या फिर डिफरेंट स्टाइल्स के सॉरी पर्स कह रही हूँ केक बनाना सिखाऊं। ये देख देख के ना मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल में ये पर्स ही रखा हुआ है, तो मेरे मुंह से भी बार बार ये पर्स निकल रहा है। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोग किस तरह के जो है केक्स देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगी। और बस ये जो है वही जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि किस तरह हम इस पर लाइनिंग ड्रॉ करेंगे वो हमने की है। और इसको और ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं हल्के हल्के से छोटे छोटे से बीड्स, ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। और इसके बाद हम इसको चारों तरफ से इस तरह हल्की सी बारीक सी डोरी से कवर कर देंगे। जी तो भाई इसको पर्स कोई आम जाम नहीं है, ये पर्स है गुची का। तो गुची का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है उसका लोगो। तो बहुत ही आसान है, ये आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह मैंने कट किया और उसके बाद इसे इस तरीके से लगा के इसको पर्स में फिक्स कर दिया। तो ये हो गया हमारा ब्रांडेड पर्स। तो ये देखें, अच्छा एक कमी रह रही थी, क्योंकि इसका कलर होना चाहिए गोल्डन, तो मैंने इसके ऊपर कर दिया है अब गोल्डन कलर, क्योंकि वाइट अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, वाइट इसमें मैच भी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसका लुक दे दिया है गोल्डन। और अब हम इसके ऊपर जो है देखिए साइड का जो था वो जो वाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ब्लैक के साथ रेड कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जो है फॉर्मिक शीट, जो ग्लिटर शीट्स होती हैं, उसकी कटिंग करके इस तरह दोनों तरफ इसे कवर करा। और उसके बाद हमारी प्रीटी सी प्यारी सी अंबर, जिसके लिए ये बर्थडे केक बना था, तो मैंने उसकी पिक्चर्स जो हैं इंस्टाग्राम से ही ली और उसे उसको प्रिंट करवाया, और उसके बाद उसकी कटिंग करके इस तरह रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि अंबर को बहुत स्पेशल फील करवाया जाए। तो बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक और बार जाते जाते आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी मोहब्बत आप लोग मुझे दे रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंबर आपका बहुत शुक्रिया कि आपको इतना ज़्यादा पसंद आया। बस अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, और हमेशा इसी तरह आप खिलखिलाती रहें, महकती रहें, और हमें एंटरटेन करती रहें, और अच्छी अच्छी सी वीडियोस हमारे लिए बनाती रहें। और अंबर का जो स्कार्फ है वो मैंने सीख लिया है पहनना, जब अंबर ने सिखाया था, मैंने बहुत अंबर को तंग किया, तो अंबर उसके लिए सॉरी। चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अंबर को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अंबर के लिए आज के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे। और ये पार्सल जा रहा है अंबर के घर। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।